माया मधुमक्खी। एक समय की बात है, दूर जंगल में वहाँ दरख्त पर एक शहद का छत्ता था। ये एक खास दिन था उन सब के लिए जो अंदर थे, क्योंकि आज के दिन ही अंडे से बच्चे बाहर आएंगे। पर ये कहानी है किसी खास की। मेरी आंखें जल रही हैं। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? वाओ! ये कहानी है माया मधुमक्खी की। चलो चलो, बाहर लाओ उन्हें। अपनी अपनी जगह पर रहो। तुम्हारा नाम होगा माया। माया। रुको, माया क्यों? हमें नाम की क्या जरूरत? मुझे नहीं बताया गया था कि मुझे सवालों के जवाब देने होंगे, पर खैर, हम सबके नाम होते हैं जिन्हें हम पुकार कर बुला सकते हैं। अगर मैं बस कहूँ, हे मधुमक्खियो। हाँ? क्या? तुम मुझसे गुफ्तगू कर रहे हो? अब समझे नाम की जरूरत क्यों है? हाँ, क्योंकि हम हूबहू भी हैं और अलग भी हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। ये ख्याल कमाल का था माया। चलो सभी मेरे साथ बाहर चलो। माया पूरी तरह हैरतअंगेज थी। ये ऐसा था जैसे एक चमकते सुनहरे गुब्बारे के अंदर होना। सभी मधुमक्खियाँ अपने अपने काम में मशगूल थीं। कोई छत्ते के अंदर की सफाई कर रहा था, किसी ने जरदाना डाल दिया किसी पर जो एक हीरे की तरह लग रहा था, कुछ बस एक सीधे कतार में चल रहे थे। हाँ तो अब तुम सभी को काम दिए जाएंगे। दीवारों की सफाई करने वाले होंगे सफाई कर्मचारी, फिर हमारे पास कलेक्टर मधुमक्खियाँ, फिर मजदूर मधुमक्खियाँ। हम सबको काम क्यों करना है? तुम किस तरह की मधुमक्खी हो? मधुमक्खियाँ सवाल नहीं करती। ओह, इतनी बदतहसीब मत बनो जूलियन, ये सिर्फ एक बच्ची ही तो है। माया, हमें काम करने की जरूरत है, नहीं तो हम सब परेशान हो जाएंगे और निकम्मे भी हो जाएंगे। अगर सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करेंगे तो छत्ते गंदे हो जाएंगे। अगर कलेक्टर मधुमक्खियाँ शरबत जमा नहीं करेंगी तो। शरबत क्या होता है? शहद फूल से निकले शरबत से बनता है। देखो, देख रही हो? वो हैं कलेक्टर मधुमक्खियाँ। वो शरबत लेकर आती हैं फूलों में से, और फिर मजदूर मधुमक्खियाँ उनसे शहद बनाती हैं। कलेक्टर मधुमक्खियाँ शरबत लाते हैं फूलों में से, पर वो शरबत कैसे उठाते हैं? ओह, तुम कितनी प्यारी बच्ची हो। बेशक उनके शहद वाले पेट में हम सबके पास है एक। ओह, तो वहीं से मुझे भूख लगी है, बताइए। बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारा खाने का पेट है। उफ, अगर हम इसे ऐसे ही झेलते रहे तो आज यहीं मशगूल रहेंगे पूरे दिन। क्यों हम पूरा दिन यहाँ मशगूल नहीं रह सकते हैं? काफी दिन गुजर गए। सभी नई मधुमक्खियों को अलग अलग काम दिए गए थे। कुछ छत्ते के अंदर की सफाई करते, कोई बाहर सूखे पत्ते साफ करते, कोई शरबत लेकर आते फूलों में से, कोई छत्ते को शिकारियों से बचा कर रखते। सभी की एक बरकरार जगह थी सिवाय माया के। वो हमेशा चीजों को अलग नजरिए से देखती। जब हर कोई दीवारों को अपने हाथ से साफ करता, वो बस दीवार पर सांस फूंकती और उसके हिसाब से समझो काम खत्म। और जब मधुमक्खियाँ एक कतार में चलती। तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो? ओह, सभी परेशान है कि मैं अपनी जगह ढूंढ नहीं पा रही हूँ, तो मैं तुम्हारी तरह चलने की कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल तुम्हारी तरह। खैर, तुम ये बेहद गलत तरह से कर रही हो। पर तुम तो तुम हो और मैं तो मैं हूँ, मैं तुम्हारी तरह कैसे चल सकती हूँ? बताओ, क्या तुम इस तरह चल सकते हो? ओ, बेशक मैं कर सकता हूँ। देखो, ओ नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ? तुम मेरा ध्यान भटका रही हो। तुम किस तरह की मधुमक्खी हो? ओ नहीं, मैं पीछे रह गया हूँ। कैसेंड्रा, मजदूर मधुमक्खियाँ, यहाँ तक कि बेगम खुद माया को कोई जगह नहीं दे पाई।
वो बस सब कुछ हैरतअंगेज होकर देखती और बहुत सारे सवाल पूछती। क्या सोच रही हैं आप बड़ी मधुमक्खी? तुम बेगम से ऐसे बात नहीं कर सकती हो। मैं बेहद माफी चाहता हूँ बेगम साहिबा। बताओ माया, जहाँ हम चाहते हैं वहाँ तुम काम क्यों नहीं करना चाहती? मुझे नहीं पता। यहाँ हर कोई हमेशा कितना मशगूल है, वो बस काम 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 ही करते रहते हैं। मुझे उन्हें देखकर खुशी नहीं होती, पर मैं खुश थी जब मैं उस हीरे जैसे चीज पर गिरी और ऐसे वैसे मैं उड़ी और फिर गोल 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 घूमती रही। मेरा उड़ने का ख्वाब है, बाहर जाकर दुनिया देखने का। या अल्लाह, ये क्या बुदबुदा रही है? ख्वाब, खुशी, तुम किस तरह की मधुमक्खी हो? मधुमक्खियाँ ख्वाब नहीं देखते हैं। ओह बेगम साहिबा, माफ कीजिए, ये बुरा नहीं चाहती है। मैं खुद इसे किसी जगह पर रखना चाहती हूँ, पर ये हमेशा बाहर जाने की बात करती है। मुझे लगता है शायद ये वही चाहती है। ये जरूर उसी में माहिर होगी। हम इसे शरबत लेने बाहर भेज सकते हैं। एक मधुमक्खी से पूछना कि वो क्या चाहती है, ऐसा पहली बार हुआ है। और साथ ही साथ हैरानी वाली बात भी है, मधुमक्खियों को उनकी जगह दी जाती है उनके अंडे से बाहर आते ही। पर अगर ये छत्ते के हित में है तो यही सही। ये इतनी बड़ी है कि बाहर जाकर शरबत ला सके। इसे अच्छी तरह से ट्रेन करो और बाहर भेजो। जी बेगम साहिबा। और इस तरह माया को फूलों के बारे में सब बताया गया। फिर उसे ट्रेन किया गया मधुमक्खियों के दल के पीछे चलने के लिए। उसे हमेशा आगाह किया जाता कि अकेले कभी ना उड़े। और आखिर में उसे जंबूर से भी आगाह किया गया। जंबूर मधुमक्खियों के जानी दुश्मन होते हैं। वो हमेशा शहद चुराते हैं और मधुमक्खियों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। पर हम उन्हें डंक मार सकते हैं ना? जंबूर बहुत ही समझदार होते जा रहे हैं माया। वो हम पर हमला करते वक्त हमेशा बख्तर पहने रहते हैं। सिर्फ उनकी गर्दन पर हमला कर सकते हैं क्योंकि वो हेलमेट नहीं पहनते हैं। पर अब तक किसी मधुमक्खी ने जंबूर को लड़ाई में डंक नहीं मारा है। तुम ध्यान रखना कि वो तुम्हें ढूंढ ना पाए, ठीक है? मैं ध्यान रखूंगी। माया ने कैसेंड्रा को अलविदा कहा और दल के साथ निकल पड़ी। ये उसका पहला सफर था छत्ते से बाहर का। जिस पल वो बाहर आई वो हैरत अंगेज सी रह गई। वो दरख्त, वो पौधे, वो फूल। बाहर कितना सुंदर है, मैं पूरे दिन बिन बिना सकती हूँ। हम यहाँ काम करने आए हैं माया, सिर्फ भिन बनाने के लिए नहीं। बस ध्यान रखना कि तुम हमेशा दल के साथ ही रहो। पर माया सुन नहीं रही थी, वो अपनी पहली उड़ान में मशगूल थी। ओ, वो क्या है? कितना चमकीला है। ओ, माफ करना, मुझे नहीं पता था यहाँ कोई है। मैं माया मधुमक्खी हूँ और तुम? तुम भी मेरी तरह ही लगती हो और कहना पड़ेगा कि काफी सुंदर भी हो। ओह, ये क्या है? तुम मेरी नकल कर रही हो। ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। ओह, मुझे तकलीफ हो रही है, तुम बहुत ही बदतमीज हो। ओहो, देखो देखो ये कौन है? ये एक इंसान मधुमक्खी के भेष में है। क्या भेष में? मतलब कि तुम एक इंसान हो मधुमक्खी के कपड़े पहने हुए। पर मैं हूँ एक मधुमक्खी, मैं कोई इंसान नहीं हूँ। और ये भी एक मधुमक्खी ही है, पर बहुत ही बदतमीज वाली। ये तुम्हारा अक्स है बेवकूफ, और वो बदतमीज नहीं है, तुम आपसे ही बदतमीज हो रही हो। ये सब तुम्हारा वहम है, बिल्कुल एक इंसान जैसे। मेरी सुनो, वो ही हर मुसीबत के जिम्मेदार होते हैं। तो बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बदतमीज हूँ? मेरा नाम माया है। माया मधुमक्खी, समझ गया।
मैंने सुना था जब तुमने खुद अपनी तारीफ की थी, माया। ओह, बिल्कुल। असल में मैं अपने दल के साथ शहद लाने गई थी। ओह, नहीं, मेरा दल, मैं उनसे बिछड़ गई, वो सब चले गए। क्या बात कर रही हो? तुम अपना रास्ता भूल गई? अपने दल के साथ आते वक्त किस तरह की मधुमक्खी हो तुम? आह, अब तुम क्या करोगी? ओह, मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से मैं कुछ शरबत जमा करूंगी और अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी। खैर, वहाँ पर काफी रस भरे फूल हैं। तुम चाहो तो उनसे कुछ ले सकती हो। ओह, कितने मेहरबान हैं आप मेरी मदद करने के लिए। शुक्रिया टिड्डे जनाब। मेरा नाम है हॉपर, फ्लिप हॉपर। ओह, जरूर, फ्लिप हॉपर, शुक्रिया। माया ने जितना हो सके शहद जमा किया और वापस अपने घर को चली। वो लंबे दरख्तों और झाड़ियों के बीच उड़ी और फिर भी ये काफी लंबा सफर था। मैं थक गई हूँ। शायद मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। मैं बाद में उड़ सकती हूँ। नन्ही माया एक फूल की तलाश कर रही थी। इतनी जल्दी नहीं नन्ही मधुमक्खी, बेगम साहिबा मुझसे कितनी खुश होंगी। हमसे वो हमसे कितनी खुश होंगी। हमने एक प्यारी मधुमक्खी को जो कैद किया है। उसे प्यारी मत कहो बेवकूफ, वो हमारी जानी दुश्मन है। ओ, तुम सही कह रहे हो, ये प्यारी आंखों वाली बदसूरत मधुमक्खी। और चलो सीधे चलते हैं। जंबूरों ने माया को एक छोटे कमरे में कैद कर दिया। माया बहुत खौफजदा थी और उसने भागने की कोशिश की पर हार गई। अब मैं क्या करूं? ये एक बहुत ही खुफिया मंसूबा है, ठीक है? सुनो, कल हम उन मधुमक्खियों को एक सबक सिखाएंगे। ओह, क्या मैं अपनी लाल कलम साथ ले आऊं? क्या? नहीं, वो सबक नहीं। हम उनके छत्ते पर कल हमला करेंगे, तैयार रहना। ओह, उसका क्या करें जो हमने पकड़ा है? कल सुबह देखेंगे कि उसके साथ क्या कर रहा है। चलो अब चलें, जाकर पहरेदारों की मदद करते हैं। उन जंबूरों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि माया सब सुन रही थी। नहीं, वो मेरे छत्ते पर हमला करने वाले हैं। नहीं, मैं हिम्मत नहीं हार सकती। मुझे अपने खानदान को बचाना होगा। उस रात माया सो न सकी। वो यही सोचती रही कि आगे क्या करना है। ओह, मैं जंबूरों को कैसे रोकूं? सिर्फ उनकी गर्दन पर हमला कर सकते हैं क्योंकि वो हेलमेट नहीं पहनते हैं। पर अब तक किसी मधुमक्खी ने जंबूर को लड़ाई में डंक नहीं मारा है। अच्छा, मैं समझ गई। सूरज के उगते ही जंबूर माया के कमरे में आया। नन्ही मधुमक्खी, अरे कहाँ चली गई? मुझे बदसूरत कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे बेगम को आगाह करना होगा। माया जितना तेज हो सके उड़कर छत्ते तक पहुँची। उसने पूरे अफसाने का जिक्र बेगम को किया। ओह नहीं, जल्दी से पहरेदारों को आगाह करो, हमें तैयार रहना चाहिए। छत्ता अब हमले के लिए तैयार था। जब जंबूर आए तो मधुमक्खियों ने पूरी ताकत से हमला किया। उन्होंने ऊपर उड़कर जंबूरों की गर्दन पर हमला किया। माया ने मधुमक्खियों को अच्छे से तालीम दी थी। वो सारे जंबूर हक्का बक्का और परेशान हो गए। भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। वो फौरन वहाँ से भाग निकले। ये हम जीत गए, हम जीत गए। कहाँ भागे जा रहे हो? मधुमक्खियाँ महान है। हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार है माया। ये तुम्हारी दिलेरी और अकलमंदी थी जिसने आज हमें बचाया। ये मेरा घर है और मैं कुछ भी करूंगी इसके हिफाजत के लिए। ओ, मेरी बच्ची, मुझे तुम पर नाज है। मुझे बताओ, बड़ी होने पर तुम क्या बनना चाहती हो? उस्ताद बनना चाहती हूँ। मैं अपने सारे तजुर्बे मधुमक्खियों को बताऊंगी और उन्हें सिखाऊंगी कि उनकी किस्म की मधुमक्खी बने। उनकी किस्म की मधुमक्खी? हाँ,
हर कोई मुझसे पूछता है, किस किस्म की मधुमक्खी हो तुम? पर मैं हूँ मेरे किस्म की मधुमक्खी, और साथ ही हम सब भी हैं। मैं भी अपने किस्म की मधुमक्खी बनना चाहता हूँ। तुम्हारे किस्म की मधुमक्खी बकवास है, तुम मेरे किस्म की मधुमक्खी बनो। है माया, तुम बेशक एक अच्छी उस्ताद हो, और हम सब खुश हैं तुम्हें वापस पाकर।